हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लॉन्ग अम्ब्रेला कुर्ती बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों करके बताने वाली हूँ। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है 3 मीटर का और ऊपर वाला फैब्रिक है हमारा 4 मीटर। देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें दो पार्ट रहेंगे गाउन में, ऊपर चोली वाला पार्ट अलग रहेगा और घेरे वाला पार्ट अलग रहेगा। टोटल लेंथ हम रखने वाले हैं 51 इंच की। चोली वाले पार्ट की लंबाई रहेगी 15 इंच की और घेरे की लंबाई रहेगी 36 इंच। शोल्डर्स की चौड़ाई रखेंगे 14 इंच, चेस्ट का साइज है 32 और कमर का साइज है 30 इंच। इस तरीके से हमारा पैटर्न और मेजरमेंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम कमर का साइज निकालना देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम घेरा जो है वो अम्ब्रेला बनाने वाले हैं, तो उसका कमर का साइज हमें किस तरीके से निकालना है। देखिए कमर का साइज है 30 इंच, उसे हमें 4 से डिवाइड करना है, तो आएगा लगभग 7.5 इंच। 7.5 इंच में हमें 1 इंच प्लस करना है सिलाई के लिए, तो हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच में हमें जो टोटल लंबाई है घेरे की वो प्लस करनी है और साथ में 1 इंच, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिलाई में जाएगा इसके लिए। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कपड़ा जो है वो लगभग आएगा 45.5 इंच का। तो हम घेरे के लिए कपड़ा लेंगे 45.5 इंच। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का मेजरमेंट निकाल सकते हो। हमने यहाँ पर ऊपर वाले फैब्रिक को एकदम सीधा कर लिया है। 45.5 इंच पर मार्क करने के बाद हम कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। यह हमारा कपड़ा डबल फोल्ड हो गया है। इस तरीके से एकदम परफेक्ट मेजरमेंट होता है और कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता है। अब जिस साइड से ये बंद है उस साइड से हमें एक कोना उठाना है कपड़े का और कपड़े को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में मोड़ देना है। यहाँ हम कमर की साइज का कटिंग करेंगे। 8.5 आया था, उसमें हमने 1 इंच प्लस किया था, लगभग हो गया था 9.5 इंच। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 7.5 आया था, उसमें हमने 1 इंच प्लस किया था, तो 8.5 इंच हो गया। अब यहाँ हम पूरी गोलाई में 8.5 इंच पर निशान लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और अब यहाँ पर नीचे की तरफ मार्क कर देते हैं। लगभग 36.5 इंच है। इसे हमें धीरे धीरे आगे सरकाते जाना है। हमारा कपड़ा एकदम कड़क है तो हम बीच में सिर्फ 0.5 इंच ही कम करेंगे। अम्ब्रेला लहंगे में क्या होता है, बीच में से टेढ़ा पड़ने लग जाता है, इसलिए हम बीच में 0.5 या 1 इंच कम कर लेंगे साइड के मुकाबले। ठीक है, पूरी गोलाई में इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। इसी तरीके से हमें अस्तर भी कट करना है। देखिए हम इसे खोलेंगे तो ये कुछ हाफ सर्कल की तरह दिखाई देगा। कमर का साइज परफेक्ट आ गया है। अब हम चोली वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर रखा है। अब हम इसे ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड करेंगे। चेस्ट का साइज है 32 इंच, उसका चौथा हिस्सा होता है 8 इंच। 8 इंच में हम लगभग 1 से 1.5 इंच प्लस कर देंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो कपड़े की चौड़ाई लगभग 9.5 इंच लेंगे और लंबाई है चोली की 15 इंच की, तो 16 इंच पर कट करेंगे 1 इंच मार्जिन के लिए। ठीक है, इस कपड़े को हम अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम शोल्डर्स की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि है 7 इंच और इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा कट कर दीजिए। अब आर्महोल की लंबाई रखनी है 7 इंच की। इस तरीके से पहले एक बॉक्स बना लीजिए, फिर उसके बाद इस तरीके से गोलाई देते हुए आर्महोल रेडी कर लीजिए। यहाँ साइड में हमें इसे 0.5 इंच ऊपर की ओर से कट करना है साइड से, ताकि जो गाउन है वो साइड में से लटके ना। नेक की कटिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई रखनी है लगभग 2.5 इंच की और नेक की लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। इसे गोल शेप दे दीजिए या फिर वी शेप या फिर स्क्वायर शेप भी दे सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो उस तरीके से। फ्रंट और बैक नेक हम एक साइज का ही रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमने आर्महोल ड्रॉ किए थे ये बैक साइड के आर्महोल है। फ्रंट के आर्महोल की हमें थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग करनी होगी, वो हम अभी करेंगे इसे करने के बाद। शोल्डर्स को डाउन करना और ये साइड में से कट लगाना ना भूले, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब हम एक पार्ट अलग कर लेंगे और एक पार्ट को फिर से फोल्ड करते हुए इस तरीके से थोड़ा अंदर की ओर लेते हुए आर्महोल ड्रॉ करेंगे, लगभग 1.25 इंच अंदर की ओर, और इसे कट कर देंगे। इससे आर्महोल एकदम फिटिंग रहता है, कोई भी सलवटें नहीं आती है। और अब हम इसे फ्रंट से अलग कर देंगे, क्योंकि फ्रंट में हम इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन बनाने वाले हैं।
ठीक है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, फ्रंट और बैक दोनों से अलग कर दीजिए। स्लीव्स के लिए भी हमने कपड़े को फोर फोल्ड करना है, स्लीव्स की लंबाई के बराबर आप ले लीजिए। 17 इंच की है तो हम यहाँ पर 19 इंच लेंगे, सॉरी 18 या 19 इंच। कपड़े की चौड़ाई है लगभग 9.5 इंच की। यहाँ से 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगाइए, इस तरीके से कर्व शेप देते हुए स्लीव्स को शेप दे दीजिए। ये इतना कपड़ा हमारा मार्जिन में जाएगा, यहाँ तक आपको फ्रंट स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है, यानी कि जो स्लीव्स आगे की तरफ रहती है उसकी ज़्यादा कटिंग करनी है। गोलाई का निशान लगा दीजिए, उसमें भी 1.5 इंच प्लस करते हुए इस तरीके से लाइन बना दीजिए, बहुत ही इजीली स्लीव्स कट हो जाएगी। अभी जो हमने निशान लगाया फ्रंट की कटिंग का, ये सिर्फ दो पार्ट पर ही कटिंग कीजिएगा, चारों पार्ट्स कट ना करें। यहाँ पर सेंटर मार्क बना दीजिए। ये हो गए हमारे पूरे गाउन की कटिंग, इसी तरीके से अस्तर की भी कटिंग कर लीजिएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये देखिए इस तरीके से स्क्वायर कपड़े कट करने हैं, जिनकी साइज है लगभग 1.5 इंच की। इससे हम फ्रंट में डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो हमें अस्तर का फैब्रिक लेना है और देखिए इस कपड़े को दोनों कोनों को इस तरीके से मिलाते हुए ट्रायंगल करना है। उसके बाद फिर से दोनों साइड के कोने मिलाते हुए कपड़े को इस तरीके से छोटा सा ट्रायंगल बना देना है। समोसे के डिज़ाइन हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। सारे कपड़े को इसी तरीके से मोड़ते हुए एक के साथ एक रख दीजिए, थोड़ा सा एक के ऊपर एक होना चाहिए, एकदम पूरा एक के ऊपर एक ना रखें। और फ्रंट की तरफ हमें लगाएंगे तो पूरी लंबाई में आप इसे लगा दीजिए इसी तरीके से करते हुए। आप चाहो तो अलग कलर का भी लगा सकते हो या फिर अलग डिज़ाइन भी बना सकते हो। यहाँ पर ये हमने पूरा इनको अटैच कर दिया है। अब हम ऊपर वाला फैब्रिक इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे और नेक पर और यहाँ फ्रंट पर सिलाई लगा देंगे। ऊपर वाला फैब्रिक यहाँ पर हमने उल्टा रखा है। यहाँ पर छोटे से कट लगा दीजिए, ध्यान रखिएगा सिलाई बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए गोलाई में। और अब इसे पलट कर सीधा कर लीजिए और यहाँ एक ऊपर की ओर सिलाई लगा दीजिए ताकि कपड़ा अच्छे से दब जाए और फिनिशिंग आ जाए। गले पर भी इसी तरीके से सिलाई लगा दीजिए। अब हमें दूसरा पार्ट रेडी करना है इसी साइड का, उसे भी हम इसी तरीके से कर लेंगे ताकि कपड़े के जो धागे हैं वो बाहर की ओर ना आए। अब इन दोनों को हम एक के ऊपर एक रखेंगे और स्टिच कर देंगे थोड़ा सा कपड़ा सिलाई में लेते हुए, जिससे डबल सिलाई लगा दीजिएगा। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। बैक पार्ट को भी हमें इसी तरीके से करना है, अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को एक साथ करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। और हम ये बैक में चेन लगाने वाले हैं, जिप अटैच करने वाले हैं, तो जिप को इस तरीके से रखिए और अटैच कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास हाइट चेन नहीं थी तो हम इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा चेन कट कर दीजिए। अब हम फ्रंट के और बैक के पार्ट को एक साथ रखेंगे और शोल्डर्स जॉइंट कर देंगे। अब हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो स्लीव्स को फ्रंट से इस तरीके से अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को एक साथ रखते हुए जॉइंट कर लीजिए और इस तरीके से पट्टी फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पर एक सिलाई लगा दीजिए ताकि अस्तर का और ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना सरके। अब हमें फ्रंट की जो हमने कटिंग करी थी स्लीव्स की, उसका ध्यान रखिएगा फ्रंट की तरफ रहनी चाहिए और हमें इसे यहाँ से हम इसे जॉइंट कर देंगे। सेंटर का मार्क मिलाते हुए पहले आप देख लीजिए कि कितना कपड़ा जाएगा सिलाई में, वहाँ तक उस हिसाब से ले लीजिए। सेंटर मार्क जो है वो स्लीव्स शोल्डर्स की सिलाई पर आना चाहिए। दोनों स्लीव्स इसी तरीके से अटैच कर दीजिए और डबल सिलाई लगा दीजिए। अब हम फिटिंग के स्टिच का मार्क कर लेंगे और यहाँ पर फिटिंग की स्टिच लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला जो चोली वाला पार्ट है वो एकदम रेडी हो गया है। अब हम घेरे वाला जो पार्ट है अस्तर का और ऊपर वाला फैब्रिक का, इन दोनों को लेंगे, अंदर की तरफ से सीधा रखते हुए इसकी साइड की सिलाई लगा देनी है ऊपर से पूरी नीचे तक। अस्तर की भी इसी तरीके से पूरी सिलाई लगा दीजिए। अस्तर में थोड़ा सा जॉइंट आया है, ठीक
ठीक है, अब इन दोनों को हम एक साथ करेंगे। तो आप इसे पलट कर सीधा कर लीजिए और अस्तर के और ऊपर वाले फैब्रिक के नेफे को एक साथ कर लीजिए। साइड की सिलाई एक साइड में रखिएगा दोनों की, और यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए ताकि हम इसे जब चोली वाले पार्ट के साथ अटैच करें तो ये एकदम इधर उधर ना सरके। अब इन दोनों को हम साथ में जॉइंट कर देंगे। ध्यान रखिएगा ऊपर वाला फैब्रिक लूज नहीं रहना चाहिए। ये देखिए एकदम परफेक्टली ये जॉइंट हो गया है। अब हमें ये नीचे की जो पट्टी है इसे बनाना है। आप यहाँ पर चाहो तो पीको भी करवा सकते हो या फिर चाहो तो कैनवास की पट्टी भी लगा सकते हो। हम यहाँ पर ये 1.5 इंच वाली कैनवास की पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए एक अस्तर का जो फैब्रिक है वो लेना है, उसकी तिरछी पट्टियाँ कट कर देनी है और कैनवास की पट्टी को इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए दोनों साइड से आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखिए और पट्टियाँ कट कर लीजिए। अब इन पट्टियों को हम इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे और जॉइंट कर लेंगे। घेरे के बराबर नाप लीजिए, बराबर होनी चाहिए। जितनी हमें चाहिए उतनी हम कैनवास की पट्टी ले लेंगे। अब इस पट्टी के ऊपर हमें कैनवास की पट्टी हमने रखनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। हमने यहाँ पर आयरन वाली ली है तो हम इसे आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास वो वाली नहीं है तो आप सिलाई की मदद से भी इसे चिपका सकते हो। अब हम यहाँ पर बॉर्डर पर इसे रखेंगे और कैनवास की पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इसके जस्ट पास में आप सिलाई लगा दीजिए। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से लगा दीजिए। अब पट्टी को इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। एक सिलाई नीचे की तरफ भी लगा दीजिएगा। यहाँ पर हम छोटी पट्टी लगा रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी चुन्नट नहीं आएगी, एकदम अच्छे से ये लग जाएगी। कहीं पर चुन्नट आ सकती है साइड के घेरे में, वरना नहीं आएगी। अगर आ रही है तो आप ले लीजिएगा, इसमें बेलन ना पड़ने दें। अब हमें अस्तर की भी पट्टी फोल्ड कर देनी है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। थोड़ी थोड़ी सी इसे इस तरीके से कर दीजिए, ज़्यादा ना करें वरना ऊपर वाले फैब्रिक से ज़्यादा छोटी हो जाएगी। और इस तरीके से हमारी अम्ब्रेला लॉन्ग कुर्ती बनकर रेडी है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।